अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों क्या हाल है यार, कल हमने कौवा पकड़ा था, उसको टेम किया था, देखो आज तो मेरे सर पे बैठ के ताज बना बैठा है भाई। मामू के सर को ना कौवा बेबी ने घोंसला समझा हुआ है और वो देखो बैठा है मजे से, और इसने पोटी भी कर दी है। यार कब किया यार, यार हमने कल से ना इसको बहुत ज्यादा अपने साथ क्लोज कर रहे हैं, इसको टेम करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो यार ये बहुत ज्यादा हमारे साथ क्लोज हो भी चुका है, इसको मामू अपने हाथ से गोश्त देते हैं, वो भी छोटे छोटे बोटियां खिलाते हैं। हाँ, अब ये बहुत ज्यादा हमारे साथ टेम हो चुका है। मामू जो हिरन बेबी है वो किधर है? वो अंदर यार, पहले जो हमारे हिरन नहीं है उनके साथ छोड़ा हुआ है। अब हम जाते हैं अपने उस बेबी को मिलने, हिरन बेबी को मिलने जो हमने कल ट्रैप लगाया था। आ जाओ मामू, आ जाओ अंदर आ जाओ। आ गए मामू, आपके सर पे अभी घोंसला ये ना थोड़ा थोड़ा लग रहा है। अच्छा, मैं थोड़ा सा घोंसला और बनाता हूँ, ये इसको मोड़ो। कहाँ चला गया यार? मामू आप इसको अपने सर पे रखो ना। उधर जिम्मी जिम्मी बड़ा तेज है यार, उसको पकड़ रहा था। आप इसको सर पे रखो। यार ये रख दिया मैंने। हाँ बस ये ऐसे, अब उसका घोंसला हो गया कंप्लीट। यार वो हिरण किधर है, हमारा हिरण बेबी? वो देखो यार, उसने अपने अपने दोस्तों के साथ दोस्ती भी लगा ली है, उनके साथ ही गया हुआ है, बैठा हुआ है मजे से। मामू आओ देखो तो सही। यार हेलो, कैसे हो? ये तीनों तो इस केज के अंदर बहुत ज्यादा खुश हैं। दो वाले तो डरपोक हैं, छोटे वाले को हम उठा कर ना बाहर ले जाते हैं और उसके साथ खेलते हैं। किधर गया ये, तो पिछाने नहीं जा रहे। कौन छोटे वाला? हाँ ये रहा छोटे वाला, हट जो आज तो ये डर रही भी नहीं है। आ जाओ भाई, आ जाओ, मैं तुझे बाहर ले जाऊं। आ जाओ, थोड़ा सा फीटर शीटर करवाते हैं। मामू इसका दूध किधर है? इसका दूध भी मैं लेके आया हूँ। हेलो कैसे हो? चलो आ जाओ बाहर, चलो आपको दूध देते डाइट देते। आ जाओ वलीद भी आने वाला है अभी, आपको वलीद से भी मिलाते हैं। अभी वलीद भाई भी आने वाले हैं, वो भी हिरन बेबी को देखेंगे, कौवे बेबी को देखेंगे, खुश हो जाएंगे। हाँ खुश क्या, वो चलेगा करके कैसे पकड़ के आएगी आज? वो तो कह रहा था उम्मीद नहीं है ना, कल क्या कहते थे आज हम दिखाएंगे इसको, कल हम क्या करके आए थे इसके लिए। आओ, और ये देखो भंटी इसका दुश्मन आ गया इसको पकड़ने के लिए। भंटी हट जा पीछे हट यार, अगर मैं छोड़ दूं मामू ये तो इसके ऊपर अटैक कर देंगे। बच्चा सा है ना, बंटी बड़ा बदमाश है, पर यार तुझे पता नहीं बंटी का? बस मैं इसको छोड़ने वाला हूँ। ए बंटी को पकड़ लेता हूँ यार, वो देखो खेलो। ओए बंटी पीछे लग गया उसके यार। ओ नहीं डरो नहीं, कुछ नहीं कहता। बात तुझे आज एक जादू दिखाऊं। कैसा जादू? यही घास में अभी दिलबर को खिलाऊंगा और कौवा फिर भी बैठा रहेगा। यार ये कौवा ना डर जाए दिलबर से? नहीं यार क्यों डरेगा यार, हैंड टेम हो गया वो। हैड टेम है ये, हैंड टेम नहीं है। हैड टेम दिलबर, ये लो खा लो। वो देखो यार दिलबर भी ये घास खाने में लग गया और कौवा बेबी भी उसको देख रहा है। कैसा जादू है, देख ले कैसा सीन है पर। खा लो। ओए इसको थोड़ा पीछे कर दो मामू, उसके ऊपर अटैक ना कर दे दिलबर। यार पेट भी लोग कर रहे हैं यार, हमारे जानवर ऐसे हैंड टेम है पर हमारे। दिलबर भी ऊपर ऊपर से पत्ते खा रहे लेकिन साथ से नहीं खा रहा, क्योंकि उसे पता है ये कौवा बेबी है। आने वाला होगा यार, इसको दिखाते है ना। आज है ना, काफी देर हो चुकी है। जल्द मामू को ये देखो यार, ये आता देखो, दरवाजा नहीं था। मैंने कल रिपोर्टें सुनी है, जवेद ने मुझे सारा कुछ बता दिया है। जवेद ने क्या बताया? हाँ वो हमने जो ट्रैप लगाया ना वही बताया। जवेद कह रहा था कोई यार ये देखो क्या कर रहा है कैसा यार, ये कौवा बेबी पकड़ा तुमने? हाँ जी ये कौवा बेबी पकड़ा और इतनी फौज आ गई थी इसके पीछे। दिलबर भी खा रहा, कौवा भी नहीं उठ रहा, जादू देखो हमारा यार। वो कल वाली वीडियो में तुमने जो हिरन पकड़ा वो वीडियो में देख के आया हूँ। अच्छा कितने अच्छे से पकड़ा तुमने यार, तुमने झपट लिया था उसको। हाँ आप ये बताओ, आप तो कह रहे थे कुछ भी नहीं पकड़ा जाएगा, आप बोलो। स्पाइडरमैन है यार। दोस्तों मैं गलत था, कल मैं इनको बोल रहा था भाई तुम कुछ नहीं पकड़ सकते, लेकिन ये कौवा बेबी भी पकड़े और हिरन भी पकड़ा है। मैं हिरन से भी मिलता हूँ, पहले इससे मिल लूँ। मैं इसको ना अपने हाथ पे उठाता हूँ, आ जाएगा? हाँ जी आ जाएगा, हम इसको टेम भी कर रहे हैं साथ साथ। ये कुछ भी नहीं कहता यार, आप क्यों डर रहे हो? इसको अच्छे से टेम करेंगे और ये हो भी जाएगा। जब ये टेम हो जाएगा ना, मैं इसको सीटी मारूंगा, अपने पास बुलाऊंगा और इसे ना पता कौन से काम लगाऊंगा, लोगों के बटुए खींच जाएगा ये। बतमीजी ये कौवा कल मामू पकड़ा है और साथ हिरन बेबी पकड़ा है, जवेद ने मुझे बताया था। तो अब हिरन बेबी से मिलते हैं, कौवे से तो मैंने मिल लिया, बहुत प्यारा है, बहुत क्यूट है, इसको फीड शीट भी कराएंगे भाई, इससे सारा कुछ, और इसको टेम भी करेंगे। ओहो इतना क्यूट हिरन, यही पकड़ा तुमने? बहुत मजाक उड़ाया था हमारा बहुत। देखो हमने दो चीजें पकड़े हैं, वो भी एक ही ट्रैप के अंदर। बहुत अच्छे यार, बहुत अच्छे। आजकल ये फायदा कर रहे हैं,
लेकिन मुझे यार सुभान बहुत छोटा लग रहा है, शायद माँ से तो अलग नहीं हुआ इसको। यार ये तो हमें नहीं पता था, ये लंबी लंबी झाड़ियों के अंदर था और हम काफी देर 3 घंटे बैठे रहेंगे इसको पकड़ने के लिए। सुभान हिरन को फीड भी कराई है यार, तुम बच्चा तो पकड़ के आ गए हो। यार वलीद भाई मैं इसको फीडर पिलाता हूँ लेकिन ये थोड़ा सा पीता है और नहीं पीता। ऐसा ही होगा क्योंकि अभी बहुत छोटा बच्चा है, मुझे तो लगता है ये 1 मंथ का भी पूरा नहीं है, ये 25 दिन का बच्चा है पड़ा। तो मेरे पास एक आइडिया है पड़ा। कैसे इसको ले क्या? यार हमारे फार्म हाउस में ना हमारे पास बकरी है पड़ी, आप जानते तो होंगे चुन्नू मुन्नू की माँ, उसके नीचे इसको दूध पिलाते हैं। हाँ ये तो फिर अपनी माँ समझ के उसका दूध पिएगी। हाँ जी, तो ऐसा करते हैं इसको उसके नीचे छोड़ देते हैं और ये दूध पिएगी। कंफर्म पता नहीं है पीती या नहीं पीती, आप जाओगे देखते हैं क्या होता है। आ जा आ जा। बेबी डेयर को हम अपने फार्म हाउस में लेके जा रहे हैं। ये कहाँ जा रहा है सुभान? ये फार्म हाउस हमारा नहीं है, टक्कर ना मार दे। मैं इसके नीचे छोड़ता हूँ ना, गाय का दूध पिलाता हूँ ना। यार वो चीखे मारी है भाई। नहीं नहीं नहीं, ओ ये है भी बैल यार। ये कहाँ से गाय है भाई, बैल है और टक्करे मारने वाला है। छोड़ो छोड़ो इसको। तो यार हम फार्म हाउस पहुँच चुके हैं और सारे पेट्स मुझे हैरानी से देख रहे हैं। देखो सारे यही देख रहे हैं। हाँ मैं तुमसे मिलने आया हूँ, तुमसे मिलने आया हूँ। ये देखो ये कैसी आवाज निकाल रही है। मुझे तो लगता है ये ना सामने परी को अपनी माँ ही समझ रही है। हम बेचारी भूखी है ना, थोड़ी सी फीड करेगी ना परी की तो फिर सही हो जाएगी। अब हम इसको बकरी के नीचे छोड़ते हैं, देखते हैं इसे अडॉप्ट करती है नहीं करती। वो दे उसका बेटा पहले पर चला गया उसके पास। ये बड़ा तेज है, टकरे मारता है। छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे सुभान, छोड़ दे आराम से। पकड़ 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 पकड़। ओए किसी भैंस के नीचे ना चली जाए यार सुभान। वो देख वो डर रहे हैं, सारे डर रहे हैं, सब बैल्स डर रही है यार, उन्हें बचाओ। पकड़ 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 लो पकड़ लो पकड़ लो, चल पकड़ गया शाबाश भाई। ये बहुत ज्यादा तेज है पड़ी, इसको हम ऐसा करते हैं अपने हाथ से दूध पिलाते हैं, इसको छोड़ते नहीं है। चल सुभान अपने हाथ से पकड़ के पिलाना। यार ये मारती भी साथ है परी, बड़ी तेज है, उसको पिलाने नहीं दे रही परी। वो तेरा दूध ही पीने आई है, क्या हो गया तुझे है? 2 मिनट खड़ी हो जा तू। तू अपने बच्चों को तो दूध पिला के तुमने बड़ा कर दिया, अब इसको भी कर दे बड़ा। चल चल सुभान पिला पिला। ओहो पी रही थी सुभान। हमने अच्छी तरह से ना परी को पकड़ लिया, अब इसको ना दूध पिलाने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ी सी ना इसके मुंह पे फुहार मारता हूँ दूध की, क्या पता पिए। हाँ पी ले पी ले। उसको पता लग गया, उसको पता लग गया दूध है इसके नीचे। चाट रही है चाट रही है। इसके अंदर कर ना मुंह के अंदर। यार वो डर रही है ना अभी फिलहाल। ऊध पीने लग गई। मैं तो कहता हूँ यहाँ छोड़ देते हैं और एक जाना टांग पकड़ के बैठे, फिर देखते हैं ये पीती है या नहीं खुद से। ये खुद से ही पिएगी भाई, हमारे हाथ से नहीं पी रही, डर रही है थोड़ी सी। परी यार बहुत ज्यादा तंग कर रही थी, हिरन को दूध नहीं पिला रही थी, तो हमने सोचा परी को उल्टा लेटाएं और आराम से इसको दूध पिलाएं। तो मेरा भाई पकड़ है और आराम से दूध पिला रहा है। चल तू अब आराम से पी लेना, अब वो लेट गई है परी, तू चुप करके बैठी रह। परे के नीचे छोड़ देते हैं, वो पिला देगा। उसको छोड़ यार, ये कहाँ दूध देता है, फीडर के अंदर दूध रखते हैं फीडर के अंदर। परी कहने के जितना भी दूध था हमने अपनी हिरन को पिला दिया भाई। चलो भाई काफी है इतना, ये भी तुम्हारा टैंक तुमने पिला दिया। और इस चुन्नू को देखो, चुन्नू यहाँ आराम से बैठ रहा था और इसकी दाढ़ी निकल रही है। ये देखो इसकी दाढ़ी, चुन्नू मुझे नहीं मारना तूने, मैं बता रहा हूँ इसकी दाढ़ी मैं भी आपको दिखा दूँ। नीचे से दाढ़ी चेक करो इसकी, इतनी मोटी बड़ी दाढ़ी है ना। हाजी बन गया ना आपसे, हाजी बन गया, दाढ़ी रख लिया उसने। हमारा घर जल्दी जल्दी न्यूज़ में बनेगा, फिर हम तुम्हें ले जाएंगे ठीक है। इस ब्लैक वाली बिल्ली और कोको की बहुत अच्छी दोस्ती है, ये आपस में खेलते रहते हैं खेलते रहते हैं। कोको कभी तो ये खा जाएगा, इतना जालिम है कोको। कोको नहीं मेरे पास नहीं आना, चल उसी के पास जा, तू उसी के साथ दोस्ती लगा, अब मेरे पास ना आना मैं बता रहा हूँ। ओ यार हिरन बेबी को हमने फीड भी करा दी बकरी की, बड़ा अच्छा लगा यार, हिरन बेबी पी रहा था। तो इसी के साथ आज के लोग ये एंड कर दे, मुझे बहुत अच्छा लगा ये ट्रैप लगा के लेके आए हैं दोनों जानवर। आई होप कि आज की वीडियो आपको बड़ी अच्छी लगी होगी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ये क्या कर रहे हो तुम? यार मैंने बोला था इन शुगर ग्लाइड्स को बाहर ना निकालना। मेरी बात बिल्कुल नहीं समझते मुझे, मैं नीचे बैठा एडिटिंग कर रहा था, मुझे आवाजें आ रही थी ऊपर से। यार ये आवाज तो कहते हैं हमें उड़ने दिया तो हम कैसे छोड़े यार इनको, इनकी भी तो जिंदगी है यार, इन्हें भी तो साथ रहना चाहिए। निकालो आप निकालो, भाग ही ना जाए। वो देखो पागल हो गए यार, क्या होगा थोड़ा सा उनको भी टाइम दे दिया करो, एडिटिंग में घुसे पड़े, वो खेलना चाहते हैं तो खेलो उनके साथ। यार ये बड़े डेंजरस हैं भाई, गुस्सा हो जाते हैं, देखो देखो इनको अपने पास लगाओ, ओ मेरी पैंट से उतारो, वो गए। चलो 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 हटा दो यार, सुबह तो पागल हो गया यार, इसको थोड़ा सा ना अंदर डालो, मसाज करती है, इसके अंदर डाल दे इसके अंदर। कमीज तो तू ऐसे ऊपर करके आ रहा था, तूने जैसे डलवा लेना हो। मजाक कर रहा है, अंदर घुस गया, अंदर घुस मार दे उतार दे उतार दे।
और चला गया, बच गया यार। मैं तो कहता हूँ इसको ना अंदर ही छोड़ दे तो अच्छा होगा। क्यों निकाल रहा था फिर उनको और इनको पकड़ के ले जाओ जावेद भाई, बंद करो, चलो हटो। पकड़ ले। चलो पकड़ा गया, ओ भाग गया जावेद। पकड़ ले अब, पकड़ ले। चलो ले जा। पागल है, पूरे घर को सर पे उठाया हुआ है आधी रात को इन्होंने।